मायापुरी न्यूज इन में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। जसलीन ने कहा मैं सिंगल हूँ। घर वाले समझते हैं कि भजन सम्राट शो से बाहर हो गए हैं। सीक्रेट हाउस में अनूप सभी की हरकतों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्हें जसलीन का अलग अवतार देखकर झटका लगा है। अनूप के बाहर होने का जसलीन को दुख नहीं है, ये बात भजन सम्राट को नाराज किए हुए है। रोमिल उनसे पूछते हैं कि क्या अब आप सिंगल हो। इसके जवाब में जसलीन हंसते हुए कहती है हाँ मैं सिंगल हूँ। जसलीन का ये बयान अनूप जलोटा को नागवार गुजरता है। अनूप के जाते ही जसलीन का बदला रूप देखने को मिल रहा है। जसलीन शिवाशीष को कहती है कि पैक सामान की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा था, तभी सीक्रेट रूम अनूप कहते हैं मेरे जाने का भी थोड़ा स्ट्रेस है क्या जसलीन। अनूप जलोटा के जाने के बाद जसलीन की शिवाशीष से बातें बढ़ रही हैं। दोनों को एक दूसरे संग काफी बात करते हुए देखा जा रहा है। पत्नी को देख रोए श्रीसंत। बिग बॉस में श्रीसंत को उनकी पत्नी का वीडियो मैसेज दिखाया गया, जिसे देखने के बाद वो काफी इमोशनल हो गए। इस वीडियो मैसेज में उनके बच्चे भी नजर आए। श्रीसंत को उनकी पत्नी भुवनेश्वरी ने मोटिवेट किया, साथ ही गुस्से पर काबू रखने के लिए कहा। घर वालों और दर्शकों की श्रीसंत से एक जैसी शिकायतें हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए भुवनेश्वरी ने उन्हें समझाया। भुवनेश्वरी ने कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सभी को आप पर गर्व है, आपकी सच्चाई और अच्छाई की सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कमजोर बना रही हैं। क्रिकेटर की पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लोगों की बातों से इतना इफेक्ट मत होइए, उनकी बातों को दिल से ना लगाएं। घर वालों का मैसेज पाने के बाद अब देखना होगा कि श्रीसंत की गेम में कितना बदलाव आता है। इस हफ्ते 3 चैलेंज नॉमिनेट, कोई एक होगा बेघर। बिग बॉस सीजन 12 के सोमवार के एपिसोड में एलिमिनेशन के लिए 3 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया। क्रिकेटर श्रीसंत, करणवीर बोहरा और नेहा पेंसी को बिग बॉस ने इस हफ्ते नॉमिनेट किया है। ये बात तय है कि इस हफ्ते करणवीर, श्रीसंत और नेहा में से कोई एक बाहर हो जाएगा। श्रीसंत एक बार फिर रोते और बाहर निकलने के लिए झटपटाते नजर आए। उधर करणवीर बोहरा की सीधे तौर पर रोमिल चौधरी से एक टास्क के दौरान टक्कर हो गई। पिछले हफ्ते बाहर हुए अनूप जलोटा असल में घर के भीतर ही हैं और घर में होने वाली गतिविधियों को सीक्रेट रूम से देख रहे हैं। दिपाली बनी इंडियाज बेस्ट जामेबाज। इंडियाज बेस्ट जामेबाज 3 शो में पुणे की 10 साल की दीपाली बोरकर विजेता बनी। दीपाली को 5,00,000 रुपए इनाम भी दिया गया है। शो के फाइनल में नमस्ते इंग्लैंड की स्टार कास्ट अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा पहुंचे। साथ ही एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म अंधाधुन के प्रमोशन के लिए फिनाले में आए। इस शो के जज विवेक ओबरॉय, हुमा कुरैशी और डायरेक्टर उमंग कुमार हैं। दीपाली बोरकर इस शो की काफी पॉपुलर कंटेस्टेंट थी। शो में जज रहे उमंग कुमार ने दीपाली की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन तक कर लिया है। बेटे जेठालाल से 5 साल छोटे हैं पापा चंपकलाल। पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर किरदार शो में अहम हिस्सा है। आज हम आपको इस शो के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स बताएंगे जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। सीरियल में जेठालाल के पिता का किरदार निभा रहे चंपकलाल गड़ा यानी अमित भट्ट असल जिंदगी में दिलीप जोशी से 5 साल छोटे हैं। शो में दया का किरदार निभा रही दिशा वकानी और शो में उनके भाई के तौर पर नजर आने वाले सुंदर लाल यानी मयूर वकानी असल जिंदगी में भी दया के भाई हैं। तारक मेहता का किरदार निभा रहे शैलेश लोधा असल जिंदगी में भी लेखक हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े का किरदार निभा रहे मंदा चंदवादकर पहले मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। बैचलर पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। दिसंबर में शादी करेंगे कपिल शर्मा। कपिल जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरत के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं। कपिल और गिन्नी इसी साल दिसंबर के महीने में 7 फेरे लेने वाले हैं। शादी की सारी रस्में अमृतसर में होंगी और इसके बाद कपिल गिन्नी मुंबई में अपने खास दोस्तों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी करेंगे। खबरें हैं कि कपिल और गिन्नी की शादी की अलग अलग रस्में 4 दिन तक चलेंगी। पिछले साल ही कपिल ने गिन्नी के साथ अपने रिश्ते को पब्लिकली कबूला था। कपिल ने गिन्नी के साथ की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरी बेटर हाफ है, वो मुझे पूरा करती है, लव यू गिन्नी, कृपया आप सभी उसका स्वागत करिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहे हैं हॉलीवुड स्टार। अमेरिकी एक्टर विलियार्ड क्रिस्टोफर विल स्मिथ मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते नजर आए, जिसे देखकर मुंबई वासी भी हैरान रह गए। दरअसल विल स्मिथ ऑटो की सवारी कर कहीं जा रहे थे, तभी उनके मन में ऑटो चलाने का ख्याल आया, तभी उन्होंने ड्राइविंग करनी शुरू कर दी। विल स्मिथ एक अमरीकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और रैपर है। उन्होंने संगीत, टेलीविजन और फिल्म में सफलता कामयाबी हासिल की है। हॉट लुक से तहलका मचा रही हैं दिशा पटानी। हाल ही में दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में दिशा रेड कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वो काफी हॉट लग रही हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं। काफी लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद टाइगर और दिशा ने ब्रेकअप करने का फैसला किया है। बीते कुछ ही दिनों में दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई है, ऐसे में दोनों ने अब अलग होने का फैसला किया है। दोनों के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है जिन पर ये ध्यान लगाना चाहते हैं।
मायापुरी न्यूज इन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इस समय, देखते रहिए मायापुरी कट।